राजस्थान कांग्रेस रे हलचल इस्तफा देले अशोक गेहलोत का समस्त मंत्री आसंता काली होई पारे राजस्थान ने मंत्रिमंडल संप्रसारण या पूर्वर इस्तफा देइछंती समस्त मंत्री आज मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत का बासभवन ने बसीथिला बैठक बैठक रा निष्पत्ति अनुसार समस्त मंत्री इस्तफा देइछंती काली अपराह्न 2टा रे समस्त विधायकों को पार्टी मुख्यालय आसीबा को कहा जायछि। ए अवसर रे मंत्रिमंडल संप्रसारण ने आलोचना हेबो। संध्या रे शपथ नहीं पारती नुआ मंत्री विधानसभा निर्वाचन पूर्व मंत्रिमंडल संप्रसारण करी असंतुष्ट को संतुष्ट करने प्रयास आरंभ करिसेंती मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ते वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का समर्थक विधायकों को मंत्री करने योजना करिछि कांग्रेस। यहाद्वारा आगामी निर्वाचन में दल भितर समन्वय रही दल आकलन कर राजस्थान कांग्रेस रे हलचल सृष्टि होई इस्तफा दे अशोक गेहलोत का समस्त मंत्री आसंता काली होई पारे राजस्थान ने मंत्रिमंडल संप्रसारण या पूर्व इस्तफा दे समस्त मंत्री आज मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत का बासभवन में बसी बैठक ए बैठक में निष्पत्ति अनुसार समस्त मंत्री इस्तफा दे काली अपराह्न 2टा रे समस्त विधायकों को पार्टी मुख्यालय आसवा को कहा जाए। यह अवसर में मंत्रिमंडल संप्रसारण नहीं आलोचना हो संध्या रे शपथ नहीं पारती नुआ मंत्री विधानसभा निर्वाचन पूर्व मंत्रिमंडल संप्रसारण कर असंतुष्ट को संतुष्ट करने प्रयास आरंभ कर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का समर्थक विधायकों को मंत्री करने योजना करी कांग्रेस। यहाद्वारा आगामी निर्वाचन में दल भितर समन्वय रही आकलन कर दल तो जब पुनर्गठन की बात होती जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई बस अब कल सारे मंत्रियों ने कल ही जो भी है और कल सुबह मुख्यमंत्री जी ने और डोटासरा जी ने माकन साहब तीनों उपस्थित थे और कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस नेतृत्व को सब ने इस्तीफे लिख कर दिए हैं। प्रस्ताव होता है कि प्रक्रिया होती है उसमें 2 बजे कल सब PCC में जाएंगे इकट्ठे होंगे और उसके बाद वहाँ से जो भी आगे निर्देश मुख्यमंत्री जी अजय माकन जी और डोटासरा जी देंगे जो केंद्रीय नेतृत्व से बात होगी वो जारी होगी।